दीपक में आप ओम की आकृति के दर्शन कर रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा पूजा या मंत्र जाप या आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं तब आपकी आकृति ओम की बननी शुरू हो जाती है। इस विषय पर हमारे चैनल पर पहले भी वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कैसे आप ओम के साथ साथ माता के काली के सबसे प्रिय अस्त्र वज्र खड़ग के दर्शन कर सकते हो, जिससे माँ दुष्टों का नाश करती है। और इस तरह के भी हमारे चैनल पर वीडियो है बहुत सारे, जो व्यक्ति अलग सिद्धि या मनोकामना के पूजा करते हैं अगर उनकी पूजा सफल हो रही है तो ऐसे अस्त्र शस्त्रों के आकृतियाँ बनती हैं, ओम की आकृति बनती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आकृतियाँ बनती हैं जो आपके लिए लाभदायक हैं। इस तरह की आकृतियाँ बनने का एक विशेष कारण यही है कि आपको जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप मंत्र जाप पूजा पाठ हवन कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि सफलता की आप तरफ आप बढ़ रहे हो। ये संकेत है क्योंकि प्रभु संकेत देते हैं, दीपक ऐसे संकेत देते हैं, आपके आसपास होने वाली गतिविधियों से आपको संदेश देते हैं कि ये कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो पूर्णता को प्राप्त होते रहते हैं। तो अगर आपने अपने दीपक पर ऐसी आकृतियाँ देखी हैं, ऐसे लो देखी है जिसमें आप खड़ग देख रहे हैं, वज्र का आकृति देख रही हैं, तलवार त्रिशूल ओम, तब आपकी मनोकामना बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली होती है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सफल होता जा रहा है। जितनी भी ओम की आकृतियां हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, ओम का सीधा संबंध सातवें चक्र से माना जाता है, कुंडलिनी जागरण से माना जाता है, सिद्धियाँ प्राप्त करने से माना जाता है, बहुत सारी गतिविधियों से ओम का संबंध सीधा जोड़ा जाता है। ओम में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसलिए कहा जाता है कि बिना ओम के कोई भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। ओम सबसे बड़ा मंत्र है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाये हुए हैं, इसलिए सभी मंत्रों के साथ ओम का लगाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ओम को सात्विक माना जाता है, हर हिंदू धर्म को अपने घर के आगे ओम बनाना चाहिए, ओम के चिन्ह लगाने चाहिए, इससे आपके घर में नेगेटिविटी दूर रहती है, जीवन में सफलताएं मिलती हैं। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप उसमें अपनी कॉपी है या कोई भी आप उसमें ओम लिखते हैं तो बहुत जल्दी आपका कार्य पूरा हो जाता है और ओम से बहुत ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस विषय पर मैंने बहुत डीपली वीडियो भी बनाई है, आप उनको ज़रूर देखना। और इस विषय पर मैं आपको पूर्ण वीडियो दिखाती ही रहूँगी। बोलो जय श्री राम, जय बाबा, आशीर्वाद आपको प्रदान करते रहें। इसी तरह से अगर आपके दीपक पर सामने वज्र की, जैसे वज्र बना हुआ है, नीचे माता की आंखें बनी हुई हैं, तो जो आपकी मनोकामना है, जिस कार्य में जो बाधा आ रही थी माँ ने उसको काट दिया है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ अपनी भक्ति पर ध्यान देना है, यही आपका दीपक बता रहा है, यही प्रभु का आपके लिए संदेश है। ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ देखने के लिए बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पूरा देखें और बहुत सारी वीडियो में अलग अलग आपको आकृतियाँ अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनमें सब कुछ नया होता है, इसलिए उनको देखने की कृपा करें।